Welcome to Civil Animal. Today we have to discuss Los Angeles Abrasion Test. The principle of this test is to find the percentage of wear due to the relative rubbing and action between the aggregate of steel balls. इसमें percentage of wear निकालना होता है जब relative rubbing and action होता है between the aggregate and the steel ball. Steel ball and aggregate को हम जब एक साथ apparatus में डालेंगे उसका कितना उसका पाउडर फॉर्म में चेंज हो गया, कितना उसका वियर हो गया, उस परसेंटेज को फाइंड आउट करते हैं इस टेस्ट में, ठीक है. एंड द ऑपरेटर्स यूज इन दिस टेस्ट आर लॉस एंजेलिस टेस्टिंग मशीन, सीव, एब्रेशन चार्जेस आल्सो नोन एज आयरन बॉल्स हुज रेट इज 47.5 mm एंड हुज डायमीटर इज 47.5 mm एंड द वेट इज अप्रॉक्स 390 to 445 grams. तो ये है हमारा लॉस एंजेलिस एब्रेशन टेस्ट. जैसे कि आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम ड्रम. दिस इज कॉल्ड ड्रम हुज लेंथ इज 510 mm एंड द डायमीटर इज 710 mm. दिस इज कॉल्ड अ ब्लो काउंटर यूज टू काउंट द रिवोल्यूशन पर मिनट. एक मिनट में कितनी बार ड्रम घूमता है और इसके इतनी देर में कितना ड्रम घूम जाएगा वो हम काउंट करते हैं यूजिंग दिस एज यू सी इन द रीडिंग्स ऑल्सो हेयर. And this is the motor used to rotate the drum. And this is called a horizontal axis. This is called a switch to on off the machine. And this is a drum. This is called a drum. This is a cover plate. And this are the screws. इसको हम loose करके cover हटा देते हैं और उसके अंदर यहाँ से हम इसमें aggregates डाल देते हैं with iron balls. And this is the lower plate. Used to collect the aggregate. इसमें हम aggregate collect करते हैं after rubbing apparatus की rubbing और drum से निकालने के बाद drum से निकालते हैं जब, ठीक है. And this is the aggregate used in this test and sieve set. Now we have to start the procedure. प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हमें कोई एक ग्रेड चुनना होगा जिस ग्रेड को हम टेस्ट करेंगे. और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी ग्रेड है. इसमें हम लेंगे ग्रेड डी चूज़ करेंगे. ग्रेड डी में 5000 लिखा हुआ है. 5000 मतलब 5000 ग्राम जो हमारा एग्रीगेट गेट का वेट होगा जो कि 4.75 माइक्रोन से पास आउट होगा एंड 2.36 में रिटेन होगा. और जिसमें हम नंबर ऑफ स्पेयर्स कितना डालेंगे, नंबर ऑफ स्पेयर्स यानी कि आयरन बॉल हम 6 डालेंगे. जितना टोटल उसका कितना वेट हो जाएगा आयरन बॉल्स का 2500 प्लस माइनस 15, ठीक है. नाउ वी हैव टू सीव द एग्रीगेट फर्स्ट. जैसे आप देख रहे हैं 4.75 mm की ये वाली सीव अपर सीव है. द लो सीव इज 2.36 mm एंड फिल विद एग्रीगेट कवर विद लीड एंड द लोअर वन इज Now fix this assembly in the sheave shaker. हमने assembly को sheave shaker में fix कर दिया है. Now we have to sieve. Now after sieving, we have to put all the sieve aggregate in the drum. Los Angeles में डाल देंगे हम सारा aggregate. और after this we have to put the iron balls and then covered with cover plate and tighten all the screws tightly and start the machine for 500 revolution. And after this उसके बाद हम जो सारा sample हमारा निकला है उसको हम 1.7 mm की sieve में डाल देंगे और sieve करेंगे. जो retain हो जाएगा उसको अलग वेट करेंगे और जो पास हो जाएगा उसको अलग वेट करेंगे. वैसे हमें रिटेन जो है जो उसमें रह जाता है उसका वेट कर लेंगे हम और नोट कर लेंगे उसकी रीडिंग को. नाउ दिस इज द ऑब्जर्वेशन टेबल. आफ्टर ऑल द प्रोसीजर हैव डन द स्पीड ऑफ ड्रम इज इन RPM 30. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन रिक्वायर्ड 500. सी व्यूज फॉर फाइन पोर्शन इज 1.7 mm. And the original mass of the test W1 जो हमने लिया था as per the grade D is 5000 gram. And the final mass of the test sample जो हमारा उसमें retain हो गया
वो हम देखेंगे, वो हमारा था इतना हमारा ग्राम्स था, और लॉस इन मास इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, और हमारा लॉस इन मास आया 440 ग्राम्स, एंड द परसेंटेज ऑफ वियर जो हमारा फाइनल होगा वो W1 माइनस W2 अपॉन में W2 इनटू में 100 से निकलेगा। W2 हो गया हमारा 4560, और W1 माइनस W2 जैसे कि हमारा ऊपर आया 440 ग्राम्स, तो हमने वो लिख देंगे नीचे 440 अपॉन में 4560 मल्टीप्लाई में 100, जिससे हमारा फाइनल परसेंटेज निकल जाएगी और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। यही हमारा रिजल्ट था, यही हमें निकालना था, और द परसेंटेज ऑफ वियर टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ वियर, और ये हमारा 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 40% से ज़्यादा होगा तो हम एग्रीगेट को यूज नहीं करेंगे उस एग्रीगेट को एज अ रोड कंस्ट्रक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर वीडियोज़। थैंक यू।